दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको साइटिका से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी साइटिका का दर्द है तो इस वीडियो को जरूर देखनी चाहिए। आपको बता दें कि साइटिका कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह सैक्रोइलिस्टिस, डिस्प्रोलैप्स, स्पाइनल इन्फेक्शन आदि रोगों का लक्षण है। साइटिका नसों में होने वाला ऐसा दर्द है जो कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर पैरों के निचले हिस्से तक जाता है। बीच में से एक साइटिका नस निकलती है जो हमारे टांगों से होकर दोनों पैरों की उंगलियों तक जाती है। इसी नस में आपको तेज दर्द होता है। पर क्या आपको मालूम है कि साइटिका नर्व में दर्द क्यों होता है और किस कारण से बढ़ता है? दोस्तों, आपको इसे अच्छे से समझना होगा कि हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में एक डिस्क पाई जाती है। ये डिस्क हड्डियों को बैलेंस में रखती है। यह आपके कमर पर पड़ने वाले दबाव को भी यही संभालती है, क्योंकि यह एक तरह से स्प्रिंग या गद्दे का काम करती है। जब आप अचानक कोई भारी वजन उठा लेते हैं या ज्यादा काम करने की वजह से यह डिस्क अपने साइज के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपकी साइटिका नस को दबाने लग जाती है। आपके ज्यादा काम करने से इस डिस्क में और ज्यादा सूजन आ जाती है, इससे आपकी साइटिका नस पर दबाव और बढ़ जाता है और फिर आप चल फिर नहीं पाते। साइटिका के लक्षण आमतौर पर शरीर के केवल एक तरफ महसूस किए जाते हैं और यह दर्द टांगों के पीछे की तरफ होती है। इसमें आपको बेड रेस्ट की अधिक आवश्यकता रहती है। साइटिका दर्द के लिए डॉक्टर भी 3 महीने का बेड रेस्ट देते हैं, और जैसे ही आपकी हालात में सुधार आता है तो आपको फिजिकल थेरेपी या योगा करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं तो आप ये अच्छे से जान लीजिए कि अंदर की समस्या क्या है और इस ऑपरेशन में डॉक्टर क्या करते हैं। अगर आपके दर्द में कोई सुधार नहीं हो पाता तो आपके डिस्क को डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर या सर्जरी के द्वारा एक्स्ट्रा डिस्क को कट कर देते हैं, परंतु इससे आपकी हड्डियों का दबाव कम नहीं होता और कुछ समय के बाद रीढ़ से जुड़ी दूसरी समस्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई बार डिस्क बढ़ने की वजह से साइटिका नस या उसके आसपास का दबाव अधिक हो जाता है तो न्यूरोसर्जन सर्जरी के द्वारा बढ़े हुए हिस्सों को निकालने की सलाह देते हैं, परंतु यह बिल्कुल गलत है। आसान भाषा में बताएं तो डिस्क का बढ़ना हड्डियों के दबाव से होता है और डॉक्टर इसे सर्जरी के जरिए काटकर साइटिका से दूर कर देते हैं, लेकिन हड्डियों का दबाव उतना ही रहता है। आगे चलकर और भी गंभीर प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसे ठीक करने के लिए क्या करें। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च से यह पता चला है कि योग और आसन से डिस्क को ठीक करके साइटिका का दर्द 100% तक ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, योग और आसन से। आपको रोजाना भुजंगासन, धनुरासन और मर्कटासन करना चाहिए। इसका अभ्यास कैसे करना है आप YouTube पे देख लीजिए। इसके साथ ही आपको फिजियोथेरेपी भी लेनी चाहिए। फिजियोथेरेपी में व्यायाम के जरिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाकर इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी को फिजिकल थेरेपी भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको साइटिका का दर्द बहुत ही असहनीय है और आप चल फिर भी नहीं सकते हैं तो आपको पंचकर्म की सहायता लेनी चाहिए। पंचकर्म चिकित्सा के रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इस पद्धति में शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। इससे शरीर के और भी कई सारे रोग दूर हो जाते हैं। पंचकर्म आयुर्वेद के अनुसार एक विशेष चिकित्सा पद्धति है जो दोषों को शरीर से बाहर निकालकर बीमारियों को जड़ से खत्म करती है। यह स्वस्थ मनुष्य के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा न्यूरोपैथी चिकित्सा में भी साइटिका का इलाज संभव है। यह चिकित्सा 1200 साल पुरानी पद्धति है। इस पद्धति में बिना किसी दवाई के सेवन किए ही नेचुरल ट्रीटमेंट के जरिए बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसमें एक्यूप्रेशर की तरह शरीर के अलग अलग हिस्सों, नसों को ध्यान में रखते हुए हाथ व पैरों से प्रेशर देकर बीमारियों का बिना दवा के इलाज किया जाता है। एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें हाथों हाथ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप योगासन और व्यायाम से साइटिका को ठीक कर सकते हैं। पंचकर्म द्वारा आप इसका इलाज कर सकते हैं और न्यूरोपैथी चिकित्सा से भी इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा घरेलू नुस्खे के इस्तेमाल से भी साइटिका का दर्द से छुटकारा पा सकते हो। आइए देखते हैं कौन कौन से घरेलू उपाय। तो साइटिका दर्द होने पर क्या करना है? गुनगुना पानी पीना है, सुबह का धूप लें, घर का खाना खाएं, गाय का घी, गाय का दूध, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, मछली का तेल, गेहूं, लाल चावल, अखरोट, मुनक्का, किशमिश, सेब, अनार, आम और लहसुन की कच्ची कली खाएं। जी हाँ, और क्या नहीं करना है ये भी ध्यान रखिए। ऑयली खाना नहीं खाना है, डीप फ्राई चीजें नहीं खाना है, मसालेदार खाना, ठंडा खाना, बासी खाना नहीं खाना है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है, दिन में सोना, रात में जागना, जामुन, सुपारी, अरहर की दाल, मूंग की दाल,
इन सभी चीजों से दूर रहें। आपको रात को खट्टी चीजें नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा, रात के समय खट्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी, इससे वात और वायु का दर्द और भी बढ़ जाता है। और पूरे दिन में खट्टी चीजों का कम सेवन करें। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि रोजाना 2 कली लहसुन की खाइए। लहसुन में सल्फर और सेलेनियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। इसके लिए आप रोजाना 2 कच्ची कली लहसुन खाएं। इसके अलावा अपने खान पान में भी लहसुन को शामिल करें। शरीर से जितना टॉक्सिन्स है, जितनी भी वात है, उसको बाहर कर देगा। और आप हर रोज इसका सेवन कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपको करना क्या है कि 2 कच्ची कली लहसुन को बारीक बारीक काट लेना है और 1 चम्मच शहद के साथ खा लेना है, और ऐसा रोज सुबह खाली पेट करना है। मेथी के बीजों का सेवन कर सकते हैं। मेथी के फायदे देखकर इसे गुणों के खान माना जाता है, और मेथी दाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। इसके औषधीय गुणों की वजह से ही इसका इस्तेमाल प्रकृति दवाओं में बड़ी मात्रा में किया जाता है। मेथी का सेवन गठिया के रोगियों को नियमित करना चाहिए। इसे सेवन से गठिया के रोग में तेजी से फायदे मिलता है। इसके अलावा मेथी दाना वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है, तो आपको मेथी दाने का सेवन जरूर करना है। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले मेथी दाने का पाउडर बना लीजिए और रोजाना रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए, और सुबह नाश्ते के आधे घंटे पहले इसे पी लेना है। इसे चाहे तो आप गर्म करके भी पी सकते हो। सेब के सिरके का सेवन कर सकते हो। सेब के सिरके में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। ये पोषक तत्व शरीर में जाकर शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं और शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। आप रोजाना 1 से 2 चम्मच सेब के सिरके को 1 कप हल्के गर्म पानी में और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह के नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद ले सकते हो। इसके अलावा साइटिका से पीड़ित लोगों को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि लंबे समय तक एक ही स्थिति में नहीं बैठना, कि लंबे समय तक एक ही स्थिति में एक ही पोस्चर में नहीं बैठे, सही स्थिति में बैठे, आगे की तरफ ज्यादा ना झुके, भारी वजन न उठाए, ऊंची एड़ियों की चप्पल ना पहने, आराम करने के लिए गद्देदार बिस्तर पर ना सोएं, तख्त या फिर सीधा बेड पर सोएं, खून बढ़ाने वाले पौष्टिक चीजों का सेवन ज्यादा करें। खून बढ़ाने के लिए आप रात को किशमिश भिगोकर सुबह खा सकते हैं, रोजाना 1 से 2 खजूर खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, अनार का जूस पीजिए। अनार का जूस खून बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। बीटरूट और गाजर का जूस पीजिए, ये भी साइटिका में फायदा करेगा। इसके अलावा शरीर में पानी की मात्रा कम ना होने दें, इसके लिए पानी पर्याप्त पिए। अभी गर्मी का मौसम है तो पानी पीते रहें और पानी वाले फलों का सेवन करें, जैसे वाटरमेलन का सेवन कर सकते हैं, मस्क मेलन का सेवन कर सकते हैं, और दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना है, और जैसे मैंने योगासन बताया वो भी करना ही करना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप साइटिका के दर्द और साइटिका से छुटकारा पा सकते हो। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना, और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना।